अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का महीना। और उम्मीद करता हूँ कि आपका सेकंड रोज़ा अब तक बहुत अच्छा चल रहा होगा। सुबह की टाइमिंग सही है ये वाली ना। मैं भी आ रहा था, रोड बिल्कुल खाली थे, इतने मज़े से आया हूँ ना। शाम के टाइम तो इतना ट्रैफिक होता है, शोर शराबा होता है, अभी तो बिल्कुल ठंडा माहौल था, मज़े से आ गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल है 6:30 की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, सब लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, मैं 6:15 बजे पहुंच गया था। तो तरतीब मैंने ये बनाई है कि मैं घर से बैग वगैरह लेके निकला बाइक पे, सीधा मस्जिद गया, फिर मस्जिद से सीधा आया। ठीक है, यही तरतीब रखनी है, क्योंकि आप भाई एक बार मस्जिद जाएंगे फिर आप वापस आएंगे ना, और वापस आके आप घर के अंदर चले गए तो फिर बड़ा टाइम लगता है निकलने में। अच्छा, हम लास्ट पढ़ चुके थे कहाँ तक भला, ये हम टाइप फेस वगैरह तक शायद पढ़ चुके थे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने टाइप फेस जो है अपने हाथ से लगा के देख लिया होगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट था, इसको प्रॉब्लम आ रही थी टाइप फेस में, तो मैंने कुछ सजेशन दी थी, वो है मौजूद यहाँ पे? अच्छा, वो नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे कुछ चार्ट बना हुआ है कि कौन से वाले ब्राउज़र में ना कौन सा वाला टाइप सपोर्टेड है। ठीक है, तो इसको इसका ख्याल रखिएगा, देखते हुए इसको लगाइएगा। तो अगर आपके पास जो है ना WOFF और TTF, अगर ये दो टाइप आप लगा देते हैं तो आप तकरीबन सारे ब्राउज़र को सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद है बोल्ड। हम जैसा कि देख चुके हैं HTML के टाइम पे कि बोल्ड का एक टैग भी होता है, सही है, तो बोल्ड का टैग भी लगा सकते हैं और बोल्ड के CSS भी बोल्ड का हम लगा सकते हैं। हाँ यार, ये जरा ना मैसेज आप ग्रुप में भी लगा दें, हमारी क्लास जो है ना 6 से 8 ये वाली है, फिर 8:30 पे हम क्लास शुरू करेंगे वो। ठीक है, 8:30 इंशाल्लाह। ये ग्रुप में भी प्लीज़ जो है ना एक रिमाइंडर छोड़ दें सब लोगों के लिए। अच्छा, तो CSS के ज़रिए भी हम ये लगा सकते हैं। तो समटाइम हम टैग से लगाते हैं, समटाइम CSS से लगाते हैं, दोनों के अपने अपने यानी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके अंदर हम CSS या HTML का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी ख़ास क्लास को बोल्ड कराना चाह रहे हैं, ठीक है, समटाइम कंडीशनल क्लासेस लगी हुई होती हैं कि भाई अगर कोई फूड है जैसे, तो वो अगर डिलीवर हो चुका है तो उसको बोल्ड करके ना दिखाओ, अगर डिलीवर नहीं हुआ तो बोल्ड, इस तरह की कोई कंडीशनल चीज़ हो सकती है। तो ऐसी सूरत में क्लास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम CSS से बोल्ड अगर करवाते हैं ना तो कंडीशनल हमें करने में आसानी रहती है। ठीक है, अगर तो हार्ड कोडेड है, हर वक्त ही बोल्ड रहेगा वो, तो फिर हम HTML से भी कर सकते हैं उसको। तो ये मैंने एक सिंपल सी सिचुएशन बताई है, इस तरह की कई दूसरी सिचुएशन हो सकती है जिसके ज़रिए आपको, जिसमें आपको दोनों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, इसमें आप फॉन्ट वेट करके लगाते हैं। ठीक है, फॉन्ट वेट आप नंबर में भी दे सकते हैं। ठीक है, 100 का मतलब होगा बहुत ही लाइट, 800 का मतलब होगा ब्लैक। ठीक है, बोल्ड के बाद जो ब्लैक आता है तो 800 का मतलब है ब्लैक। अच्छा, जब आप फॉन्ट कहीं से डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो आपको बता भी रहा होता है कि इसका जो थिन है वो 300 है, ठीक है, इसका जो बोल्ड है वो 600 है, ऐसे करके बता भी रहा होता है आपको। गूगल फॉन्ट आप सब लोग देख चुके होंगे होपफुली अभी तक। अच्छा, तो और नंबर के अलावा आप इसको नॉर्मल बोल्ड और ब्लैक करके भी दे सकते हैं। उसके बाद ये इटैलिक भी हम टैग से लगा सकते हैं HTML के, लेकिन CSS भी मौजूद है उसकी। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल करके इटैलिक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं या ऑब्लिक कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसको मेरे ख्याल है चला के दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, CSS बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप खुद से चला कर देख लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके चीज़ है जो हमने इससे पहले नहीं देखी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपके पूरे टेक्स्ट को या तो अपर केस कर देता है या तो लोअर केस कर देता है।
ठीक है, तीन हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है कि हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को ये कैपिटल कर देता है। दिस कॉसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड अपीयर कैपिटलाइज। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैपिटलाइज इन्होंने शायद कहीं पे लगाया है क्या? हाँ, क्रेडिट डॉट क्रेडिट जो है वो कैपिटलाइज किया हुआ है। अच्छा, ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, जो बिल्कुल लास्ट लाइन है नेपोलियन थॉमस वाली, नहीं यार इसमें भी नहीं किया हुआ। हाँ, ये जो लाइन है सेकंड, जो ऊपर से नीचे की तरफ सेकंड लाइन है वो कैपिटलाइज किया हुआ है इसने। तो ये तीनों काम कर सकते हैं भाई हम CSS के जरिए भी। अच्छा बाय द वे, ये CSS के जरिए हो सकता है, ये इसमें टैग नहीं है HTML का कोई। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने कह दिया दोनों से, इसका कोई टैग नहीं है, ये सिर्फ CSS से ही हो सकता है। अच्छा, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक, आमतौर पे जैसा कि हमने शुरू में ही देख लिया था कि CSS जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो मार्कअप में ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कअप्स हैं कि किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर देते हैं या स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक का मतलब होता है कि लाइन दरमियान में आ जाती है, तो अंडरलाइन में नीचे आती है, स्ट्राइक में दरमियान में लाइन आ जाती है, ऐसा लगता है कटा हुआ है वो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन करके है ये। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और नन है, इसके अंदर दो यहाँ पे इन्होंने लगा के बताया हुआ है। उसके अलावा ओवरलाइन, लाइन थ्रो और ब्लिंक, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, एक एक करके बारी बारी लगा लेना, थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ लाइन आती है, एक में बीच में आ जाती है, एक में बीच में डबल लाइन आ जाती है। ठीक है, इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म की लाइनें आती हैं जो हम आमतौर पर एम एस वर्ड में हमें देखने को मिल रही होती है। ठीक है, अंडरलाइन से तो आप सब वाकिफ होंगे। ठीक है, और लाइन स्ट्राइक से भी आप सब वाकिफ होंगे, जैसे लाइन थ्रो जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो लगा के एक एक करके देख लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट ये डेकोरेशन वाली चीज़ है। अच्छा, उसके बाद है लीडिंग, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले लाइन हाइट। अच्छा, शुरू में आपको याद हो अगर कि इसने ये रेफरेंस शुरू में बता दिया था। ठीक है, तो ये दोबारा से वो वाली चीज़ आ गई है कि लाइन हाइट क्या होता है। एक होता है फॉन्ट साइज, इस तरफ से अगर आप गौर करें, एक होता है फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज के बाद जो है ना लीडिंग होती है। लीडिंग मतलब ये है कि उतने हिस्से में वो अपने ऊपर वाली लाइन से दूर हो जाता है। ठीक है, वो एक फासला छोड़ता है, इस चीज़ को लीडिंग इन्होंने बोला हुआ है। तो लीडिंग और फॉन्ट साइज, इन दोनों को मिला के बनता है लाइन हाइट। ठीक है, अच्छा अगर मैं लाइन हाइट को बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? फॉन्ट साइज नहीं बढ़ेगा उससे, लीडिंग बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो लाइन हाइट जो है वो डिफॉल्ट कुछ ना कुछ होती है हर फॉन्ट में, और जब उसको आप बढ़ाते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने पिक्सल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है EM करके दिया हुआ है। ठीक है, EM क्या चीज़ होती है कोई बता सकता है? पहले डिस्कस कर चुके हैं ये। साइज ऑफ M, किसी भी फॉन्ट के अंदर जो साइज ऑफ M होता है वो 1 EM होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने EM में दिया हुआ है कि जो भी बाई डिफॉल्ट वो है उससे 1 है तो वो 1.4 हो जाए। ठीक है, यानी 140% हो जाए उसका। तो EM देना बाज़ दफ़ा जो फॉन्ट साइज़ की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे EM थोड़ा सा यूज़फुल रहता है, क्योंकि वो M के साइज़ के हिसाब से हो जाता है। अगर आप फॉन्ट को चेंज करेंगे जिसमें M का साइज़ मुख्तलिफ है तो वो भी साथ साथ चेंज होगा। ठीक है जी। अच्छा, बहुत आसान सी चीज़ है ये भी। अब यहाँ पे इसने कहीं पे लाइन हाइट बढ़ा के लगा के बताया, पैराग्राफ में बताया था। अच्छा, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है इसके अंदर, इस जगह पे अगर आप नोट करें, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गायब हो गया, बता भी नहीं रही है। अच्छा, ये मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, पहला वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर लाइन हाइट थोड़ी सी बढ़ाई हुई है। ठीक है, क्योंकि बहुत माइनर सी है, शायद इतने दूर से फील ना हो रहा हो, गौर करने पे पता चलेगा। और सेकंड वाला जो है इसके अंदर लाइन हाइट में कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई, डिफॉल्ट वाला है, तो थोड़ा सा कम फील हो रहा है दोनों लाइनों का जो आपस में फासला है। ठीक है जी। लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, अब ये हम शुरू में देख चुके थे,
जो इस चैप्टर के शुरू में इसने बातें की थी यार ये हम पढ़ेंगे, तो लेटर में मिसाल के तौर पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके जो लेटर्स हैं उनमें आपस में, यानी एक लिखा हुआ है वर्ड स्कूल एस सी एच डबल ओ एल, तो उसमें एस सी एच ओ ओ एल इन सबके दरमियान जो फासला है वो लेटर स्पेसिंग कहलाएगा कि एक लेटर एक से कितना दूर है। और जो वर्ड स्पेसिंग है वो क्या होगा कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके अंदर आई एम आ गुड बॉय है तो आई और एम के दरमियान कितना फासला होगा ये वर्ड स्पेसिंग कहलाएगा। तो इसने दोनों यहाँ पे लगा कर दिखाया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर इसके सेकंड लाइन में आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है बाई ईव और डकेट। अब इसको आई थिंक ईव प्रोनाउंस करेंगे या क्या करेंगे, इसमें इन्होंने क्या लगाया हुआ है वर्ड स्पेसिंग लगाया हुआ है, ठीक है ये वाला वर्ड स्पेसिंग लगाया हुआ है। अच्छा लेटर स्पेसिंग इन्होंने कहाँ लगाया, ये ब्रीड हिस्ट्री जो लिखा हुआ है और ऊपर वाली जो फर्स्ट हेडिंग है इन दोनों के अंदर आप देखें लेटर्स में ना ज्यादा ज्यादा फासला है क्योंकि इसने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, ठीक है नीचे वाले में वो फासला नहीं है जो ऊपर वाले में। तो ये भी स्टाइलिंग से रिलेटेड है, मार्कअप से रिलेटेड चीज है, डेकोरेशन की हद तक गई है, तो इसको भी आप इजीली लगा के देख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अलाइनमेंट की बात आ गई उसके बाद। अच्छा अलाइनमेंट जो है जैसा कि एमएस वर्ड में हम ये भी देखते हैं या वर्ड के कोई भी सॉफ्टवेयर है कि जब कोई भी लाइन आप लिखते हैं तो उसको हम अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट या सेंटर या जस्टिफाई, चार प्रॉपर्टीज होती हैं टोटल, तो वही चार प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। अच्छा अब यहाँ पे ना एक नोट करने वाली बात ये कि भाई जब भी आप टेक्स्ट अलाइन लगाएंगे तो सम टाइम ये होगा आप उसको करेंगे अलाइन राइट, वो राइट पे जाएगा ही नहीं, ये होगा सही है। ये कब होगा वो भी बता देता हूं, ये उस वक्त होगा जब आपका कंटेनर उतना बड़ा नहीं है कि वो टेक्स्ट पूरा वहां तक जा सके। तो ये टेक्स्ट अलाइन जो हम कर रहे होते हैं ये कंटेनर के अंदर अलाइन हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये जैसे लिखा हुआ है ना वर्ड अलाइनमेंट, अगर इसका कंटेनर इतना ही बड़ा है तो आप उसको लेफ्ट करें राइट करें सेंटर करें वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि वो अपने कंटेनर में लेफ्ट राइट हो रहा है। तो कंटेनर आपका क्या होना चाहिए, पूरी लाइन में आखिर तक होना चाहिए। तो जब आप उसको लेफ्ट राइट करेंगे ना तो उसको समझ में आएगा वो पूरे कंटेनर में देखेगा जगह है उधर वो उधर चला जाएगा, वो उधर देखेगा जगह इधर चला जाएगा या उसके सेंटर में हो जाएगा वो। अगर आपका कंटेनर टाइट है आपके कंटेंट पे तो वो टेक्स्ट अलाइन उसको असर नहीं डालेगा। इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा चला के देखने की। अच्छा जी हाँ बैजेट जो आ गया, अच्छा सी एस एस सेलेक्टर करके हमने एक बनाया हुआ था लास्ट, तो इसी फाइल को हम रन कर लेते हैं। आई थिंक मैंने कहा कॉपी पाथ और कॉपी पाथ करके मैंने गूगल क्रोम पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा वो हमारा पेज है जो लास्ट क्लास में हमने बनाया हुआ था जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के सी एस एस को लगा लगा के देख रहे थे। तो अब मैं ये जो किचन गार्डन कैलेंडर है ना इसको मैं कोशिश करता हूँ अलाइन राइट करने की, अभी ये लेफ्ट हुआ हुआ है तो ज़रा देखते हैं भाई इस पर क्या लगा हुआ है। आईडी इस पर लगी हुई है टॉप, तो मैंने कहा यार मुझे एग्जैक्टली इसी पे करना है, मैंने कहा भाई टॉप में जाओ हैशटैग टॉप और मैं क्या लगा देता हूँ इस पर टेक्स्ट अलाइन और राइट, ठीक है सेव। अच्छा अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया पेज को, रिफ्रेश करूंगा तो आएगा ये इसका इफेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ इसको कि क्या ये कंटेनर आखिर तक है। अच्छा अभी मेरा इंस्पेक्शन साइड पे आ रही है ना तो वो पूरा मुझे दिख नहीं पा रहा, तो मैं इंस्पेक्शन को कहाँ लेकर आ जाता हूँ नीचे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है ये कैसे लेकर आया मैं, यहाँ पर छोटा जो तीन डॉट था इस पर क्लिक किया मैंने और मुझे इसने चार ऑप्शन दे दिए, तो मैंने उसमें से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है इस तरह से मैं इसको नीचे लाया हूँ। अच्छा ये हो गई जनाब बात, अब मैं क्या करूँगा ये वाला जो आइटम है इस वाले पे मैं क्लिक करूँगा ये ब्लू या ब्लैक जो भी आपकी थीम है उसके हिसाब से हो जाएगा। अच्छा उसके बाद मैं किसी भी कंटेनर पे जब जाऊँगा ना इस पर क्लिक करने के बाद तो मुझे वो कंटेनर पूरा साइज दिखाएगा, तो ये एच वन चूँकि ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है ब्लॉक और इनलाइन हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास में,
तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये कंटेनर पूरा आखिर तक है, तो इसके अंदर राइट लेफ्ट असर करना चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये उस तरफ चला गया। अच्छा, ऑन अदर हैंड अब हम कोई ऐसा कंटेनर ढूंढते हैं जो अपने कंटेंट पे टाइट हो, ठीक है, या इन लाइन हो जो। अच्छा, इन लाइन कोई है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, बना लेते हैं इन लाइन। सही है, इन लाइन हम बना सकते हैं ना, सी एस एस से बोलेंगे इन लाइन हो जाए, हो जाएगा वो। तो ये जो स्प्रिंग लिखा हुआ है इसको मैं क्या, बल्कि इसी को इन लाइन कर देते हैं, इसी हेडिंग को ना इन लाइन कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है, डिस्प्ले इन लाइन करके मैंने रिफ्रेश किया, तो अब देखो ये अब इस पर असर नहीं हो रहा। अब इस पर असर इसलिए नहीं हो रहा है कि कंटेनर जो है ना इसका, यहाँ मैं नीचे H1 पे आके जब हाथ रखूंगा तो कंटेनर इसका क्या है, अपने कंटेंट पे टाइट है, पूरी जगह नहीं ली हुई इसमें। अच्छा, स्टिल अगर मुझे इसको जाहिर है राइट लेफ्ट करना है, तो मुझे कंटेनर का कोई ना कोई साइज बताना पड़ेगा कि भाई तुम थोड़े इतने पिक्सल बड़े हो जाओ, इतने पिक्सल छोटे हो जाओ। तो मैं यहाँ पे ना इन लाइन के बाद क्या बोलता हूँ इसको कि यार आप ना विड्थ ले लो, ठीक है, 500 पिक्सल विड्थ ले लो आप, ठीक है। तो अब ये कंटेनर कितना चौड़ा हो गया, 500 पिक्सल चौड़ा हो गया। तो ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अच्छा, 500 पिक्सल में ना शायद वो उतना बड़ा नहीं हुआ, इसको मैं कर देता हूँ 900 पिक्सल। सही है। अच्छा, इन लाइन वाले पे तो विर्थ लग ही नहीं सकती ना, इन लाइन वाले पे विर्थ नहीं लगती हमारे, इन लाइन ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे अगर मैं इसको विर्थ देना चाहता हूँ। वेल, तो पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ कि टैक्स अलाइन हमारा जब ही काम करेगा जब कंटेनर में जगह होगी राइट लेफ्ट होने की। अगर कंटेनर में राइट लेफ्ट होने की जगह नहीं है तो टैक्स अलाइन उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कंटेनर में राइट लेफ्ट होने की कोशिश करता है। अच्छा, इसी तरह लेफ्ट वाला केस है और इसी तरह सेंटर वाला भी केस है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ है वो कंटेनर, जी हाँ, उसके लिए फिर टेक्स्ट को अलाइन नहीं कर रहे हैं आप, पूरे ऑब्जेक्ट को अलाइन कर रहे हैं। पूरे ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए आगे मजीद तरीके हम देखेंगे कि, ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर हम मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ या एक हेडिंग है उसके टेक्स्ट को मैं अलाइन नहीं करना चाह रहा, मैं उस पूरे ऑब्जेक्ट को ही अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास मजीद तरीके मौजूद हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है। अच्छा, उसके दो तीन तरीके हैं, कुछ उसमें से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जैसे कि फ्लोट करके एक होता है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है, उसको लोग अब यूज़ इतना नहीं करते। फ्लैक्स बॉक्स जो है वो नया तरीका है, वो पूरे पेज के लेआउट को हम अब फ्लैक्स बॉक्स पर बनाते हैं, तो वो अभी थोड़ी देर में अब आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो है टेक्स्ट अलाइन जो कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पर काम करता है, राइट लेफ्ट, ठीक है, और सेंटर, और एक हमारे पास है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अपने कंटेनर में टॉप या बॉटम पे कैसे अलाइन हो सकती है। तो इसके लिए भी सेम क्या कहते हैं रूलिंग है कि अगर आपके कंटेनर में जगह होगी तो ये जो है ना टॉप और बेस लाइन और बॉटम ये वह काम करेगा इसके ऊपर। अगर आपके कंटेनर में इतनी जगह नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे हम आते हैं अपने इसी सी एस एस की फाइल में और इसमें से मैं डिस्प्ले इन लाइन और ये हटा देता हूँ, ठीक है, और ये अलाइन राइट भी हटा देता हूँ। अब इस पर मैं क्या लगाता हूँ, इसको पहले तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है भाई, पहले जैसा हो गया, इसका कंटेनर भी फुल विड्थ पे हो गया जैसा पहले था। अच्छा, अब इस पर मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, वर्टिकल अलाइन, ठीक है, वर्टिकल अलाइन मैंने इसको कर दिया टॉप या बॉटम, ठीक है, बेस लाइन मिसाल के तौर पे मैंने कर दिया। बेस लाइन का मतलब क्या है कि ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन मेरे टेक्स्ट पे आप नोट करें कोई असर नहीं पड़ा, मेरे टेक्स्ट पे असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कंटेनर का साइज ही उतना है, तो वो टॉप ऊपर नीचे होने की उसको जगह नहीं, वो अपने तौर पर हो रहा है भाई दादा, अपने तौर पर वो हो गया नीचे, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा क्योंकि कंटेनर पर टाइट है वो। अच्छा, अब इसको हम इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट को बढ़ा के देखते हैं, तो फिर हमें कोई ना कोई शायद इसका असर इस पर नज़र आ जाए। अच्छा, मैंने कहा कि यार हाइट जो है ना, अच्छा हाइट जब मैं बोल रहा हूँ तो पूरे कंटेनर की मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हाइट मैंने कहा कि यार हो जाए 200 पिक्सल, ठीक है, मैं पूरे कंटेनर की हाइट बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने कंटेनर की ना हाइट बढ़ा दी, लेकिन अभी भी बाय द वे मुझे रिजल्ट वो अलाइन वाला नज़र नहीं आया। मैंने क्या लिखा था, बेस लाइन लिखा था ना मैंने,
अच्छा बेस लाइन जो है वो टेक्स्ट बॉटम असल में मुझे लिखना है उसको नीचे लाने के लिए, टेक्स्ट बॉटम लिखना है मुझे उसको नीचे लाने के लिए। अच्छा स्पेस का असर नहीं हो रहा भाई। अच्छा आप नोट कीजिए, इन्होंने भी जो बुक में एग्जांपल बताई है वो एग्जांपल इन्होंने किस तरह बताई है, एक इमेज लगाया है साथ में, ठीक है, एक इमेज लगा के, क्योंकि इमेज लगाने से क्या होता है आपका जो जो भी पैराग्राफ है जो भी आपकी लाइन है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, जितनी जितने इमेज की विड्थ है उतनी हो जाती है, तो आपके कंटेनर में ना जगह बन जाती है ऊपर नीचे होने की। आई एम नॉट श्योर कि ये जो है ना अभी इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, हालांकि कंटेनर हमने इसका बड़ा कर दिया है। कोई किसी को पता चल रहा है कि क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है आप में से? नहीं, इमेज तो लगा के वो तो चलेगा ही नहीं ना, बुक में भी बताया था। इसमें किसी को कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बुक पहले से पढ़ के आए होंगे आप लोग, ठीक है, तो आपने भी ट्राई किया होगा, हो सकता है आपके पास भी ना चलाओ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं ही सिखाऊंगा, आपसे भी सीखूंगा मैं बहुत चीज़ें। वेल, तो हमारा इस पर लाइन हाइट काम नहीं कर रहा है, तो जैसे बुक में इन्होंने बताया हुआ ऐसे करके चलाएंगे तो ऑब्वियसली ये तो चल जाएगा, बट ये मैं दोबारा से अलग से टाइम लगाऊंगा इस पर कि ये H1 का मैंने हाइट बढ़ा दी उसके बावजूद भी ये काम क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर। खैर, देखो इमोजी जो है ना वो टेक्स्ट का ही पार्ट है ना, यूनिकोड के अंदर ही होता है इमोजी भी, तो टेक्स्ट के दरमियान अगर कोई भी आपका इमोजी होगा कुछ भी होगा तो सब पे इक्वली ही असर करेगा, लेकिन इमोजी के अलावा तुमने क्या कहा इमेज अच्छा ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है जो तुम पूछ रहे हो। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि यार मेरे पैराग्राफ में अगर एक और स्पैन है या एक और डिव है तो क्या मैं जब टेक्स्ट लाइन लगाऊंगा लेफ्ट राइट तो वो साथ में उस स्पैन को भी राइट लेफ्ट कर देगा। अच्छा अगर तो वो इन लाइन है तो ऑब्वियसली कर देगा, क्योंकि इन लाइन क्या होता है वो फ्लो में ही चल रहा होता है, जो इधर जाता है उसके साथ ही चला जाता है, लेकिन अब अगर वो ब्लॉक लेवल का है, ठीक है, तो उस केस में मुझे आइडिया नहीं है कि वो उसको राइट लेफ्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा फिर मुझे भी बताइएगा। वेल, ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने का जो तरीका है ना वो ये वाला नहीं है, ये टेक्स्ट की अभी बात हो रही है एक्चुअली ना, जो ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट का है ना वो आगे आने वाला है। अच्छा अब हमारे पास है टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट क्या चीज़ होती है कि आपने अक्सर इंग्लिश की बुक्स में देखा होगा कि पैराग्राफ शुरू होता है तो थोड़ा सा एक दो वर्ड की जगह छोड़ के शुरू होता है, या आप एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो आप लिखते हैं सर कॉमा डालते हैं फिर अगली लाइन में आप थोड़ी जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ को ना इंडेंटिंग कहते हैं। अच्छा यहाँ पर इसने ना इंडेंटिंग जो क्रेडिट करके लगा हुआ है, यानी बाई ईव बेकेट जो लिखा हुआ है इस पे इंडेंट इसने दिया है पॉजिटिव 20 पिक्सल, कि ये 20 पिक्सल शुरू से जगह छोड़ के फिर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक तो ये इंडेंट हो गया। अच्छा एक अगर आप H1 पे इसके गौर करें तो इसने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट इंडेंट माइनस 999 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या है कि बजाय आगे जाने के ना ये पीछे जाएगा टेक्स्ट हमारा। अच्छा ये इसने क्यों किया है, ये इसने इस वजह से किया है, आपको याद है शुरू में इसने एक चीज़ बताई थी सिफर करके, जिसमें आप एक्चुअल टेक्स्ट नहीं लिखते बल्कि एक पिक्चर लगा देते हैं उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो आपको लाइसेंसिंग का इशू नहीं आता, तो इसने वो वाला काम असल में किया हुआ है। इसने क्या किया है एच वन लिख कर, ठीक है, उस पर बैकग्राउंड इमेज लगाइए और बैकग्राउंड इमेज में ना वो टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ आ रहा है इस वक्त, और टेक्स्ट इंडेंट जो इसने लगाया ना उससे टेक्स्ट क्या हो गया वो इतना पीछे गया कि वो स्क्रीन से ही आउट हो गया। नहीं, जिधर आगे जा रहा है उसी और ओरिएंटेशन में पीछे जाएगा। नहीं नहीं, जेड एक्सेस में नहीं जा रहा, ये जो देखो ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है बाई एव डकेट, ये देखो कैसे आगे आया हुआ, दो तीन कैरेक्टर छोड़ के आगे से शुरू हो रहा है, इसको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होना चाहिए ना, ये वाली जो जगह है देखो, यहाँ देखो बड़ी स्क्रीन पर,
ये दा से जो शुरू हो रहा है ना पैराग्राफ, लेकिन क्रेडिट जो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, 20 पिक्सल आगे बढ़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इसने इंडेंट दिया तो इस तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव देंगे तो उस तरफ पीछे जाएगा, तो वो H1 को इसने इतना नेगेटिव इंटेंट दिया है, सही है 999, तो वो स्क्रीन से ही आउट हो गया, माइनस में दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है ना टेक्स्ट इंटेंट, यहाँ देखो ना हाँ पिक्चर के साथ टेक्स्ट था, लेकिन वो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, वो स्क्रीन से आउट हो गया। अच्छा अब इसमें मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब देखते हैं कौन देता है। अगर इसको यहाँ पे इस पिक्चर ही लगानी थी तो IMG का टैग इस्तेमाल करना चाहिए था इसको, ठीक है ना, और या तो फिर div लगाना चाहिए था कोई, उसके अंदर IMG रख देता अगर अलाइनमेंट वगैरह का इशू था कोई, तो इसने ऐसा क्यों किया कि इसने H1 लगाया, इतना मुश्किल काम कि उस H1 लगा के फिर उसके बैकग्राउंड इमेज लगाई, बैकग्राउंड इमेज लगा के उसको इंडेंट करके उस तरफ किया, ये क्यों किया इसने? जी जी बोले प्लीज। स्क्रीन रीडर टेक्स्ट पढ़ सके। अच्छा और कोई नहीं, वो तो इसने असल में बैकग्राउंड जब हम लगाते हैं ना, कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो उसमें हम नो रिपीट इस वजह से लिखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो ये है कि अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है ना और इमेज छोटी है तो वो उस पिक्चर को रिपीट कर देता है, ठीक है, टाइल की सूरत में उसको बना देता है, तो वो नो रिपीट इसलिए लगाया है कि अगर स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो दिखाना एक बार ही है, 2-3 रिपीट नहीं करना उसको, तो वो तो ये वाला सीन है। अच्छा एक दोस्त ने कहा कि भाई स्क्रीन रीडर उसको पढ़ सके इस वजह से किया है, और बाकी लोग कोई ओपिनियन शेयर करें अपना प्लीज। अच्छा ये रीजन वैलिड है, एक रीजन और भी है इसका, नहीं वो पिक्चर का टेक्स्ट तो मॉडिफाई नहीं होगा ना। हाँ वो पिक्चर में जो लग गया है टेक्स्ट वो तो मॉडिफाई नहीं होगा ना, तो यूजर को तो वही दिखेगा, अगर उसको चेंज करना है तो फोटोशॉप से वो दोबारा बनेगा नया। जी सोचें जल्दी से ज़रा और प्लीज़ बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऐसा इसने क्यों किया। एक तो स्क्रीन रीडर दोस्त ने बता दिया। अच्छा चलें मैं बताता हूँ, वैसे इसके और भी कई दूसरे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक ये भी वजह है कि सर्च इंजन के अंदर H1 की जो प्रेसिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो किसी भी वेब पेज पर जब जाता है गूगल का क्रॉलर तो वो असल में हेडिंग्स को ना पढ़ता है और हेडिंग्स को भी इंडेक्सिंग में शामिल करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर जैसे इनकी कंपनी का नाम है BRIADS ब्रियार्ड्स, मिसाल के तौर पे, तो ब्रियार्ड्स इस पूरी वेबसाइट में ना हेडिंग में ही लिखा हुआ है और तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो अब अगर गूगल पे कोई ये ब्रियार्ड्स लिख के सर्च करता है तो आएगी नहीं वेबसाइट फिर ये वाली, ठीक है, क्योंकि हेडिंग में ही लिखा हुआ था और तो कहीं है नहीं नीचे, तो ये वाला केस है। शायद ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इसने H1 को ही रखा, तो जब क्रॉलर आएगा ना और वो H1 को गेट करेगा और उसका इनर टेक्स्ट जब देखेगा तो उसको यही टेक्स्ट मिलेगा, नज़र नहीं आ रहा यूज़र को लेकिन मिलेगा वो, क्योंकि वो तो मशीन है, वो तो मशीन यानी प्रोग्रामेटिकली गेट कर रहा होगा उसको, तो जब मशीन आएगी तो उसको H1 मिलेगा, जब यूज़र देखेगा तो उसको पिक्चर दिख रही होगी, और जाहिर है इसमें जो फॉन्ट लगा होगा वो तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा मशीन का जो भी, तो लाइसेंसिंग के इशू से भी बच गए और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी ख़राब नहीं हुई। और दूसरा ये जब शुरू में ये सिफर वाली बात कर रहा था उसी वक्त इसने कह दिया था कि स्क्रीन रीडर किस पर रिलाय करेंगे, अल्टरनेट टेक्स्ट पर रिलाय कर रहे होंगे, ठीक है ना, अगर आपने सिफर के तौर पे यानी बड़ी सी हेडिंग थी आपने पिक्चर लगा दी हेडिंग की जगह, सही है, फॉन्ट के लाइसेंसिंग से बचने के लिए, तो स्क्रीन रीडर जब आएगा तो उसका इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट पड़ेगा ना ALT करके जो हम देते हैं हर इमेज के साथ, तो उस पर रिलाय कर रहा होगा, तो इसने वो मसला भी यहाँ पर हल किया है कि भाई पिक्चर भी है बैकग्राउंड इमेज के तौर पे, बट जब स्क्रीन रीडर आएगा तो उसको H1 ही मिलेगा, H1 का इनर टेक्स्ट जो है वो पढ़ के बता देगा। तो अगर कोई स्क्रीन रीडर से विजुअली इम्पेयर्ड बंदा आता है इस वेबसाइट के ऊपर तो उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पिक्चर लगी हुई है क्या लगा हुआ है, उसको सीधा सीधा ये समझ आएगा यानी नॉर्मली जैसा होता है।
अच्छा जी, हम और आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ चुका है ड्रॉप शैडो। अच्छा, ड्रॉप शैडो CSS 3 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये CSS 3 से पहले मौजूद नहीं थी CSS में, CSS 3 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा कि ड्रॉप शैडो में इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले पैराग्राफ डॉट वन, पैराग्राफ डॉट वन का ना इसने बैकग्राउंड कलर क्या किया हुआ है, ईई, इसका मतलब क्या हुआ, ईई का मतलब हेक्साडेसिमल में ई का मतलब क्या होता है बता चुका हूं मैं, 0 से लेके 9 तक चलता है, उसके बाद ए बी सी डी चलता है, उसके बाद ई आता है, तो ई डेसिमल में क्या हुआ 14 हुआ, ठीक है। और दो ई अगर एक साथ आ जाए तो ये मुश्किल हो गया 14 तो नहीं हो सकता ना, वो तो मिसाल के तौर पे अगर डेसिमल में दो फोर एक साथ आ जाए तो 44 हो जाता है, तो इसमें दो ई अगर एक साथ आ जाए तो बहुत इजी है, हम जाएंगे, हमने कहा ई ई टू डेसिमल लिख देंगे इस पे जाके हम। अच्छा, एंटर हेक्साडेसिमल वैल्यू, मैंने ई ई लिखा और एंटर कर दिया, ये बन गया कोई 238, ठीक है। ई ई का मतलब क्या होता है 238, तो जो आरजीबी की वैल्यू है वो मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ तक है 0 से लेके 255 255 तक है, तो वो काइंड ऑफ 238 यानी फुल से थोड़ा कम दिया, ठीक है। अगर वो फुल कर देता, सारे कलर अगर फुल कर देता तो वाइट बन जाता, अगर मैं एफ 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 दे दूँ उसको, सारे कलर फुल कर दूँ मैं तो वाइट हो जाएगा वो, और सारा अगर मैं 0 0 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो वो कोई लाइट कलर है। मैं इसको एटलीस्ट देख के बता सकता हूँ कि ई ई अगर सारों पे किया हुआ है यानी सारे 238 है तो कोई लाइट कलर है ये, ठीक है। चल के देखते हैं भाई नीचे, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट दिख रहा है नीचे, तो क्योंकि सारे कलर इक्वल हैं तो वो ग्रे बन रहा है, क्योंकि सब कलर मिल के या तो वाइट बनता है, तो सब कलर हटा के ब्लैक बनता है, तो सारे इक्वल हैं तो ग्रे बन रहा है। तो अच्छा, ये हो गया भाई। उसके बाद इसने क्या किया है, उसको कलर दिया है। कलर क्या होता है, टेक्स्ट का कलर होता है, फोरग्राउंड कलर होता है, सही है। कोई कलर इसने दे दिया, अब कलर में इसने दिया है 6 6, तो 6 का मतलब क्या है, एक छोटी वैल्यू है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 66 का मतलब जो भी होता होगा, अभी देख लेते हैं हम दोबारा वहां से। मैंने कहा भाई 66 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, तो इसने बताया भाई 102 होता है, तो इसने सारे कलर 102 किए हैं, तो थोड़ा डार्कर कलर बना है इससे, ठीक है, देख भी सकते हैं आप। उसके बाद इसने कहा टेक्स्ट शेडो। अब टेक्स्ट शेडो जो है, इसमें इसने 1 2 3 4 चीजें पास की हैं, ठीक है। टेक्स्ट शेडो की जब भी बात आएगी तो 4 चीजें इसने पास की हैं। अच्छा, ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं, यहां पे नीचे मेंशन हुआ होगा, विच इज डार्कर वर्जन, दिस द फर्स्ट लेंथ इंडिकेट हाउ फार टू द लेफ्ट और राइट द शेडो शुड फॉल। मिसाल के तौर पे जब भी किसी चीज पे कोई लाइट पड़ती है तो शेडो थोड़ा या तो राइट की तरफ जा रहा होता है या तो लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है। मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, सूरज मेरे इस साइड पे है, लेफ्ट पे है, तो मेरा शेडो राइट पे गिर रहा होगा जाके, और अगर सूरज लेफ्ट पे है तो राइट पे शेडो आ रहा होगा, अपोजिट साइड पे आ रहा होता है। तो वो पहली वाली जो वैल्यू है, ये पिक्सल में हम देते हैं कि कितने फासले पे जो है ना आ रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर सूरज मेरे बिल्कुल सर पे, तो मेरा शेडो जो है बिल्कुल मेरे करीब बन रहा होगा, और अगर सूरज बिल्कुल दूर है वहाँ पर है तो मेरा शेडो थोड़ा लंबा होगा। तो ये पिक्सल में मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि कितना क्या लिखा है इसमें, हाउ फार टू द लेफ्ट और राइट। अच्छा, अभी इसने पॉजिटिव 1 पिक्सल दिया है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड की तरफ गिर रहा होगा 1 पिक्सल दूर जो भी टेक्स्ट है। तो आप अगर इस पर गौर करें तो इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ है 1 पिक्सल। अच्छा भाई, दूसरा जो है, द सेकेंड वैल्यू इंडिकेट्स द डिस्टेंस टू द टॉप और बॉटम दैट शेडो शुड फॉल, ठीक है। अच्छा, इसने कहा कि यार टॉप पे या बॉटम पे गिर रहा होगा, इसने 1 पिक्सल दिया, तो 1 पिक्सल का मतलब है पॉजिटिव 1 पिक्सल, इसका मतलब है नीचे की तरफ,
ठीक है, अगर माइनस में देता वन पिक्सल तो ऊपर की तरफ होता, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, तीसरा जो है, द थर्ड वैल्यू इज ऑप्शनल एंड स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ ब्लर दैट शुड बी अप्लाइड टू द ड्रॉ शेडो। अच्छा, आप नोट कीजिएगा, जब आप कड़क धूप में होते हैं ना, सख्त धूप होती है जो, तो आपका शेडो बहुत शार्प बनता है नीचे, राइट। अच्छा, ऑन अदर हैंड जैसे ये वाली लाइट है, अब ये वाली लाइट का जो शेडो बन रहा है वो शायद इतना शार्प शेडो नहीं है, जो मॉनिटर्स रखे हुए उसका नीचे जो शेडो बिल्डअप हो रहा है वो इतना शार्प नहीं है, थोड़ा ब्लर हुआ होगा वो, तो वो अमाउंट ऑफ ब्लर है कि भाई कितना ब्लर आपको शेडो चाहिए। अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो शेडो बनेगा बिल्कुल शार्प, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा तो वो ब्लर होता जाएगा। जो जैसे लाइट्स होती हैं जो डैम्प हुई हुई होती है, आपने फोटोग्राफर्स के पास देखा होगा, वो एक कपड़ा लगा के डैम्प किया हुआ होता है, वो इसी वजह से किया हुआ होता है कि तस्वीर खींचते हुए जब इधर से मैं लाइट मारूंगा तो बंदे के पीछे उसका शेडो बनेगा, तो डैम्प करने से क्या होता है, वो शेडो इतना शार्प नहीं होता, वो ब्लर होता है, तो बाद में उसको वो ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। अगर बहुत शार्प किस्म का शेडो बनेगा तो उसको ख़त्म करना शायद थोड़ा मुश्किल होता होगा उनके लिए। अच्छा, और फोर्थ वैल्यू जो है वो शेडो का कलर, कि कलर क्या होना चाहिए शेडो का। अच्छा, हमारे केस में इसने क्या कलर रखा है, बिल्कुल जीरो जीरो कर दिया, मतलब ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। हेक्साडेसिमल समझ आना शुरू हो गया ना हल्का हल्का, ये समझ में आना चाहिए ना, देख के पता चलना चाहिए किस किस्म का कलर होगा ये। अच्छा, तो शेडो आप नोट कीजिए, टेक्स्ट का जो अपना कलर है वो थोड़ा लाइट है, शेडो का कलर डार्क है, ठीक है। तो आप किसी भी कलर का शेडो इसमें बना सकते हैं, कलरफुल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट शेडो वाली प्रॉपर्टी उठाता हूँ यहाँ से, और उठा के मैं अपने किस पे लगा देता हूँ, हमारे जो ये जो CSS सेलेक्टर है हमारा हेडिंग वाला, इस पे मैं लगा देता हूँ। मैंने इसको क्या कहा, टेक्स्ट शेडो थोड़ा सा लगा दो, तो यहाँ पे भाई ब्लैक कलर का जो है ना शेडो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी जो राइट या लेफ्ट डिसाइड करती थी, उसको मैंने 5 पिक्सल कर दिया, तो अब क्या होगा, 5 पिक्सल इसको राइट पे हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो 5 पिक्सल ये राइट पे हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो टॉप और बॉटम वाला डिसाइड करता है कि ऊपर या नीचे, उसको भी मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब ये 5 पिक्सल नीचे हो गया, क्योंकि पॉजिटिव दिया, नेगेटिव देता तो 5 पिक्सल ऊपर चला जाता। अच्छा, उसके बाद जो हमारा जो ब्लर है, अमाउंट ऑफ ब्लर, अभी वो है ज़ीरो, तो आप नोट कीजिए कि बहुत शार्प किस्म का शेडो इसमें बन रहा है अभी, तो मैं इसको कह देता हूँ कि यार 10 पिक्सल का ना इसमें ब्लर डाल दो, तो आप देखें ये ब्लर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूँ, 5 पिक्सल कर दूँ, तो ब्लर का थोड़ा कम हो गया अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ना 0-0 कर दूँ, राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम अगर 0 कर दूँ, तो शेडो बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे बना है उसके, ठीक है। और अगर मैं इसका अमाउंट ऑफ ब्लर क्या कहते हैं, चलो इसको 5 पिक्सल लगाने से कलर चेंज करते हैं, इसका कलर हम लगाते हैं कोई, इस पर रेड रेड वाला कलर लगाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हुआ नहीं, अच्छा सेव नहीं हुआ, अच्छा ये हो गया शेडो रेड, सही है। अच्छा, ये असल में टेक्स्ट के ना आर पार दिख रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमने इस पर कहीं ना ओपेक्सिटी लगाई हुई है, इस पर हमने शायद ना कहीं ओपेक्सिटी लगाई हुई है, इस वजह से हमें ये थोड़ा आर पार भी दिख रहा है टेक्स्ट के। हाँ, ये रहा ना H1 पे हमने क्या लगाया हुआ है, 0.5 लगाया हुआ है। तो आप थ्रू आउट द कोर्स आप ये नोट कर रहे होंगे कि जब भी मैं इस पर शेडो लगा रहा हूँ या इस पर कुछ लगा रहा हूँ, तो शेडो फ्रंट पे दिख रहा था, टेक्स्ट एक्चुअल टेक्स्ट पीछे दिख रहा था, उसका रीज़न ये था कि हमने इस पर ओपेक्सिटी 50% की हुई है इसकी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। अच्छा जी, तो ये हमें पता चल गया कि 4 जो इसके टोटल पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इन्होंने उसको मुख्तलिफ तरह से ना ऊपर नीचे करके, नीचे 10 के करीब कोई नहीं, 5 के करीब एग्जाम्पल इन्होंने बनाई हुई है, तो वो हमने देख लिया, चला के भी देख लिया उसको, फर्स्ट लेटर और लाइन। अब हमारे पास जो चीज़ आ गई है ना, इसको हम कहते हैं सूडो एलिमेंट, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग है, लेकिन इसको पी इसमें साइलेंट है, ठीक है, और शायद ई भी साइलेंट है, इसको हम कहते हैं सूडो एलिमेंट। अच्छा, एक होता है सूडो एलिमेंट, एक होता है सूडो क्लास, तो दोनों में ना फ़र्क है। अभी तो एलिमेंट आया है तो पहले एलिमेंट को पढ़ लेते हैं, जब क्लास आएगा तो दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे कि दोनों में असल फ़र्क है क्या। अच्छा,
तो ये क्या कह रहा है कि यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द एलिमेंट. ठीक है, मिसाल के तौर पे इसने कहा भाई पैराग्राफ और कॉलन लगा के फर्स्ट लेटर कह दिया. अब मैं पैराग्राफ कॉलन फर्स्ट लेटर बोलूंगा ना तो वो सिर्फ फर्स्ट लेटर पे अप्लाई होगा, बाकी किसी पे भी नहीं होगा. या फर्स्ट लाइन बोलूंगा तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन पे अप्लाई होगा. मिसाल के तौर पे मैं इस हेडिंग पे अगर लगाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, टॉप उसके बाद कॉलन फर्स्ट और लेटर. ठीक है, फर्स्ट लेटर पे अगर मैंने ये शेडो किस पे लग गया, अब ये फर्स्ट लेटर पे लगा है सिर्फ. तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सिर्फ फर्स्ट लेटर पे इसका इफेक्ट आ रहा है. तो ये क्या चीज कहलाएगी, सूडो एलिमेंट. अच्छा, हमने ये पहला सूडो एलिमेंट पढ़ लिया है जिसमें हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट लेटर पे कैसे कोई चीज अप्लाई करें. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन से सूडो. अच्छा, फर्स्ट लाइन भी है. ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोर्स हेडिंग में तो लाइन ही एक होती है, तो ये पैराग्राफ्स वगैरह टाइप की चीज पे लगेगा कि फर्स्ट लाइन पे जो भी कुछ लगाना है वो आप लगा सकते हो. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने करके भी बताया हुआ है, एक टी को कैपिटल किया हुआ है. अक्सर ये इंग्लिश की बुक्स में इस तरह देखने को मिलता है कि पहला वर्ड ना थोड़ा कैरेक्टर बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, तो वो इस तरह इजिली कर सकते हैं. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है लिंक विजिटेड. अच्छा, ये वाले जो है ना सूडो क्लासेस है. In CSS, there are two pseudo classes that allow you to set different style for links that have been visited or not visited. ठीक है, this allow you to set style for link that have not been visited. अच्छा, आप note किया होगा आपने कि जब हम link लगाते हैं ना anchor tag जो है, तो हमारा browser क्या करता है उस पर special किस्म की styling apply कर देता है खुद से ही. अच्छा, बाय द वे अगर आप गौर से नोट करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसपे ना पहले से कुछ ना कुछ स्टाइलिंग लगी हुई होती है. ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे इमेज है, तो इमेज पे क्या होता है कि जो इमेज का साइज होता है ना वो उसकी विर्थ हाइट हो जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो वो पहले से कुछ स्टाइल इस तरह से अप्लाई हो जाता है. जैसे H1 है, अब H1 क्या है, वो है तो असल में प्लेन टेक्स्ट ही है लेकिन उस पर फॉन्ट साइज एक खास किस्म का पहले से अप्लाई हुआ हुआ है. ठीक है, तो बहुत सारे HTML के एलिमेंट है जिसमें पहले से कुछ ना कुछ अप्लाई हुआ हुआ होता है. उन्हीं में से एंकर टैग भी एक है, उसमें क्या होता है एक अंडरलाइन लगा हुआ होता है, कलर उसका थोड़ा ब्लू कर देता है वो. अच्छा, जैसे ही फिर हम उसको विजिट करते हैं उसका पर्पल कर देता है कलर वो, और अंडरलाइन का भी कलर पर्पल कर देता है. तो अगर इस चीज़ को हमें चेंज करना है तो हमारे पास ना उसके लिए सूडो क्लासेस हैं. अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने किसी एंकर टैग पर अगर उसका कलर चेंज किया, आपने कहा कलर रेड हो जाएगा, तो वो उसका कलर रेड करेगा नहीं. सही है, वो आप जैसे ही उसको विजिट करेंगे वो फिर पर्पल हो जाएगा. तो ये वाला मसला होता है. तो उसके लिए दो सूडो क्लासेस मौजूद हैं. तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी एंकर टैग है. अच्छा, कुछ आपने वेबसाइट्स पे ये नोट भी किया होगा, कुछ वेबसाइट है उसका कलर है पिंक, उसका जो थीम है वो पिंक है, यानी उसका जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्राइमरी और सेकेंडरी कलर, तो उनका जो सेकेंडरी कलर है वो पिंक है. अगर तो वो चाहते हैं यार हमारा जब लिंक विजिट हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो पिंक में कन्वर्ट हो जाए बजाय वो पर्पल में कन्वर्ट होने के. तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं सूडो क्लासेस के जरिए. ठीक है, अच्छा, एक लिंक है, एक विजिटेड है, एक है होवर. होवर क्या चीज़ है कि किसी भी एलिमेंट पे आप चाहते हैं कि यार जब इस पे माउस आए ना जब, तो एक खास किस्म की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, तो वो होवर से कर सकते हैं. अच्छा, और एक है एक्टिव, फोकस भी एक. ठीक है, अच्छा, होवर वाला ना जल्दी से हम लगा के देख लेते हैं किस पे, इसी हेडिंग पे हम लगा के देखते हैं. हम कहते हैं भाई हेडिंग पे जब होवर करे ना माउस बंदा, तो इसका कलर क्या कर दो, पिंक कर दो कलर इसका. ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, जो भी मेरा सेलेक्टर है, मेरा सेलेक्टर अभी है हैशटैग टॉप, यानी टॉप की आईडी जिस पे लगी हुई है. मेरा H1 भी हो सकता है, कोई भी सेलेक्टर हो सकता है. अच्छा, सेलेक्टर के बाद मैंने क्या लगाया, कॉलन, और मैंने कहा कि भाई होवर एंटर. ठीक है जी, और होवर करने के बाद मैंने कहा इसमें कलर आप लगा दो पिंक. रिफ्रेश किया मैंने यहाँ आके, जैसे ही होवर करूंगा देखो पिंक हो जा रहा है. अब होवर हटा रहा हूँ, पिंक खत्म हो जा रहा है.
ठीक है, तो एक चला के देख लिया हमने, दो चला के देख लिए बल्कि, बाकी सारे भी वैसे ही चलेंगे। अच्छा, एक्टिव का मतलब क्या है? दिस अप्लाइज व्हेन एन एलिमेंट इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय यूजर, फॉर एग्जांपल व्हेन अ बटन इज बीइंग प्रेस्ड। ठीक है, नोट कीजिएगा आपके बटन, वैसे तो बटन पे कोई भी स्टाइलिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन बटन जब प्रेस हुआ हुआ होता है, जब आप जब तक क्लिक करके रखते हैं ना वो प्रेस रहता है, जब छोड़ते हैं तो वो वापस ऊपर आता है। ठीक है, हम किसी बटन को तलाश करते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक बटन है, आप नोट कीजिएगा जब मैं इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना तो ये दब गया, छोड़ा वापस आ गया। ठीक है, तो ये इस दबा हुआ जो स्टेट है ना इसको हम एक्टिवेट कहते हैं, ये एक्टिव कहते हैं। तो इस पॉइंट पे आप अगर कोई स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं तो वो आप एक्टिव करके इसकी क्लास है उसके ज़रिए लगाएंगे। अच्छा, एक तो होवर है, देखो इस पर होवर पे भी कुछ हल्का सा रिएक्शन दे रहा है ये, सही है, जो कि डिफ़ॉल्ट है, इन्होंने कुछ लगाया हुआ नहीं, ये डिफ़ॉल्ट रिएक्शन है। तो बटन पे आप होवर भी लगा सकते हैं, एक्टिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा फोकस है फिर एक, फोकस क्या चीज़ है कि कोई भी जो टेक्स्ट बॉक्स है, मिसाल के तौर पर ये मेरा एक अदर टेक्स्ट बॉक्स है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो देखो फोकस में आ जाता है ये, इस चीज़ को हम कहते हैं फोकस, और इसको हम कहते हैं ब्लर, यानी फोकस। अभी तो ब्लर की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ फोकस की बात हो रही है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि फोकस का जो अपोजिट होता है वो ब्लर होता है। तो इस पर ऑन फोकस और ऑन ब्लर पे कुछ फंक्शन वंक्शन लगते हैं, वो जावास्क्रिप्ट में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो आप चाहते हैं कि अगर फोकस पे क्या हो, ये जो आउटलाइन आ रहा है ना ब्लू कलर का, डिफॉल्ट कलर है जो कि आप चाहते हैं यार ये पिंक का है, तो आप ऐसे करके इसको लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि जब इस पर फोकस हो तो क्या हो जाए, इसका साइज बड़ा हो जाए, कुछ भी आप इस तरह का चाहते हैं, इसमें वाई आर किस्म का कोई भी काम करना चाहते हैं जो इसके फोकस पे हो, तो आप फोकस की क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। फोकस जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अलावा भी अप्लाई हो जाता है, क्योंकि देखें फोकस में ना दूसरी चीज़ें भी आती हैं। अच्छा, मैं आपको अच्छा सवाल पूछा तुमने, मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया किस पे, टेक्स्ट बॉक्स पे कर दिया, अब जब मैं टैब का बटन दबाऊँगा ना तो नोट करना ये फोकस कहाँ चला गया, बटन पे चला गया। ऐसे आम हालात में बटन पे नहीं जाता फोकस, लेकिन टैब दबाया मैंने तो बटन पे चला गया वो, तो ये बटन पे भी लग सकता है फोकस। ठीक है, अच्छा बटन के अलावा जितने भी इंटरेक्शन वाली चीज़ें ना, देखो अब नीचे इस पे चला गया ऐड पे, उसके बाद क्रॉस के बटन पे चला गया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद ये टेबल पे भी जा रहा है ये, तो ये जिस जिस पे जा रहा है ना उस पे आप फोकस लगा सकते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो टैब दबा के जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ही होते हैं जिनको टैब ज़्यादा यूज़ करते हैं। आमतौर पे लोग इतना मैंने देखा है टैब यूज़ नहीं करते। आप में से करते हैं कोई टैब यूज़? आप करते हैं? तो आमतौर पे जो लोग डेटा एंट्री वगैरह करते हैं वो टैब बहुत यूज़ करते हैं, या जिनको फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, तो फॉर्म का जो एक्सपीरियंस है ना वेब में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, तो उसमें फॉर्म का जो एक्सपीरियंस है वो यही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी और वेब एप्लीकेशन में भी। क्या आप एक फील्ड लिखते हैं, टैब दबाते हैं, वो अगली फील्ड पे चला जाता है। ठीक है, फिर आप टैब दबाते हैं, वो अगली फील्ड पे चला जाता है, और फाइनली वो सबमिट के बटन पे आ जाता है। तो फोकस आमतौर पे टेक्स्ट बॉक्स पे ही लगता है, लेकिन आप दूसरों पे भी चाहें तो लगा सकते हैं, डिपेंड करता है यूज़ केस पे आपके। अच्छा, अच्छा ये ना, एक तो पहले अगर तुम कह रहे हो ना लाइन उसकी कोई और अप्लाई करनी है, टेक्स्ट कलर कोई और करना है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि उसके सारे जो स्टाइलिंग है ना वो ख़त्म करनी होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, लिंक और विजिटेड लगा के हम उस पर डेकोरेशन नन कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा उस पर जो भी डेकोरेशन है वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी अगली लाइन में जो भी अंडरलाइन करना है, जो भी टेक्स्ट को कलर देना है वो हम करेंगे, हो जाएगा, इस तरह से हो गई। अच्छा, कुछ सेलेक्टर्स हमने शुरू में पढ़े थे इस बुक में, सीएसएस जब शुरू हुई थी तो सेलेक्टर, इसने पहले चैप्टर में भी थोड़ा सा सेलेक्टर पढ़ाए थे। कुछ सेलेक्टर ये जनाब यहाँ पे और हमारे पास हैं मौजूद। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर सीएसएस सेलेक्टर ऑन पेज 38 इसने पढ़ा दिए। अब हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है।
एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या चीज़ होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले सेलेक्टर है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस सेलेक्टर क्या करता है, मैचेस अ स्पेसिफाई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके लगता है ये। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा पैराग्राफ पे और ये सेलेक्टर लगा दिया मैंने, हमने डायरेक्ट चाइल्ड पढ़ा है कि भाई पैराग्राफ उसके बाद एरो या एंगल ब्रैकेट भी जिसको कहते हैं, एरो और फिर कोई दूसरा एलिमेंट, तो वो डायरेक्ट चाइल्ड होता है। अभी इसने क्या बोला कि पैराग्राफ होगा उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज होगी। अच्छा, और बीच में उसके क्या लिखा हुआ होगा, क्लास लिखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा ये, टारगेट एनी पैराग्राफ एलिमेंट विथ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड क्लास। कोई भी ऐसा पैराग्राफ जिसमें क्लास नाम का एट्रीब्यूट होगा उस पर ये लग जाएगा, ठीक है। अभी क्लास के अगेंस्ट वैल्यू क्या है वो इसको वो नहीं देखेगा, ठीक है। क्लास के नाम से कुछ होगा ना तो वो उस पर लग जाएगा। या अगर मैं इस पर लिख दूँ पी और क्लास की जगह पर मैं लिख दूँ इसके हाइट, ठीक है। हाइट का भी एक एट्रीब्यूट होता है जो आई एम जी के टैग में लगता है, तो अगर मैं लिख दूंगा हाइट, तो ऐसा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिस पे हाइट के नाम का एट्रीब्यूट गिवन होगा, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उस पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी सेलेक्टर मार्केट में मौजूद हैं। ये सेलेक्टर आपको बुक में पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि अच्छा ये भी इसमें मौजूद है, ठीक है, और टेस्ट में भी आएगा ये। अच्छा, उसके बाद है इक्वालिटी ऑपरेटर। एक तो सबसे पहला हमने देख लिया ना कि भाई क्लास नाम का एट्रीब्यूट होगा तो ये लग जाएगा। अब दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास है कि क्लास भी हो और इक्वल्स उसके हो डॉग, डॉग के अलावा कोई भी अगर हुआ ना क्लास उस पर तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद है स्पेस, ठीक है। मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वोज वैल्यू अपेयर इन स्पेस सेपरेटेड लिस्ट वर्ड बिलो। अब इसने क्या बोला कि यार डॉग होना चाहिए और स्पेस डाल के कुछ और भी हो तो चलेगा, ठीक है, या उससे पहले स्पेस दे के कुछ और भी हो तो भी चलेगा, बट डॉग कहीं बीच में होना चाहिए उसके, तो ये वाला एक आ गया। उसके बाद तीसरा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि शुरू में उसके ना डी होना चाहिए क्लास के अंदर, यानी जो भी वैल्यू पास हुई हुई है, या मैंने अगर हाइट उसमें बोला है कि भाई हाइट वाला लगा दिया, तो हाइट करके मैंने क्या बोला कि यार वन होना चाहिए हाइट, 100 है अगर तो 1 मैच कर जाएगा। तो प्रीफिक्स वाला ये है कि शुरू में उसके क्या हो, डी होना चाहिए, इन्होंने जो एग्जांपल बताई है। अच्छा, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब है कि क्लास के अंदर जो भी वैल्यू पास हुई भी है उसके अंदर डी और ओ मौजूद होना चाहिए कहीं ना कहीं बीच में, ठीक है। डॉग अगर है तो वो मैच हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स जो पहले का होता है, यानी शुरू में क्या आ रहा है, एक होता है सफिक्स लास्ट में उसके क्या आ रहा है। तो कह रहा है भाई लास्ट में उसके होना चाहिए जी, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के सेलेक्टर्स हैं, आमतौर पे इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये बहुत यूज़फुल रहते हैं, जहाँ पे आपको कोई दूसरा काम नहीं कर पाते वहाँ पे ये आप कर पाते हैं। तो इसलिए ये टूल्स मौजूद हैं HTML के अंदर, CSS के अंदर, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये क्लासेस के ऊपर जो है ना, क्लास एट्रीब्यूट सेलेक्टर इसको बोलते हैं। तो अभी तो इसने क्लास पे करके बताया है कि भाई क्लास के अगेंस्ट ये हो वो हो तो ऐसे कर दो, लेकिन ये सिर्फ क्लास के एट्रीब्यूट की बात नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट हो उस पे ये काम करता है, ठीक है। यही वजह है कि लास्ट वालों में आप देखें, ये प्रीफिक्स वाले में इसने शुरू में तो क्लास क्लास लिख रहा था ना, लास्ट में इसने ना ATTR लिख दिया कि कोई भी एट्रीब्यूट हो, सही है। ये ATTR डायरेक्ट चलाओगे ना नहीं चलेगा, इसकी जगह पे कोई एट्रीब्यूट ही लिखना पड़ेगा जो कहीं लगा हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसको ATTR करके डायरेक्ट चलाते हैं, वो जाहिर है उस नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होता तो वो काम ही नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे जी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर के ऊपर आ गया। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल है ये आप सब लोग बना चुके हैं होपफुली, इसके अंदर समरी देख लेते हैं। समरी जो है ना ज़रूरी होती है पढ़ना, वैसे तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए खुद ही, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर देता हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाती है चीज़ें। किसी भी बुक की ना समरी ज़रूर पढ़ा करो, वो पूरा चैप्टर उससे रिवाइज हो जाता है। देयर आर प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द चॉइस ऑफ फॉन्ट साइज वेट स्टाइल एंड स्पेसिंग।
कह रहे हैं कि सी एस एस के अंदर प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, वेट, स्टाइल और स्पेसिंग, इन चीज़ों को अपने मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं. देयर इज अ लिमिटेड चॉइस ऑफ फॉन्ट्स दैट यू कैन एज्यूम मोस्ट पीपल विल हैव इंस्टॉल्ड. ठीक है, कह रहे हैं कि फॉन्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन ऐसे फॉन्ट बहुत कम हैं जो हर मशीन में हर किसी के पास इंस्टॉल होंगे. If you want to use wider range of typefaces, there are several options, but you need to have the right license to use them. कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि wider range में इस्तेमाल करूँ, मिसाल के तौर पर किसी का font में लगा दूँ अपनी website पर या अपने CSS में typeface के तौर पर add कर दूँ ताकि मशीन में हो या ना हो font दिखे फिर भी उसको, तो उसके लिए आपको licensing का ख्याल रखना होगा कि भाई उस font का license आपके पास है या नहीं है. You can control the space between lines of text, individual letters and words. Text can also be aligned left, right, center or justified and also be intended. कह रहे हैं कि भाई आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं स्पेस टेक्स्ट के दरमियान, लेटर के दरमियान, टेक्स्ट को आप लेफ्ट राइट और जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इंटेंड भी कर सकते हैं. ये सारे तरीके सी एस एस के अंदर मौजूद हैं. You can use pseudo classes to change the style of an element when a user hovers over or click on text or they have visited a link. कह रहा है कि आप pseudo classes इन हालात में use कर सकते हैं, किसी जिस पे hover हो रहा है, click हो रहा है, किसी जिस पे focus में हो रहा है, blur में हो रहा है, इन चीज़ों को control करने के लिए, यानी इन हालात में अगर कोई styling लगाना चाहते हैं तो pseudo classes use कर सकते हैं. अच्छा, मैंने बीच में एक बात की थी वो मैं भूल गया, अभी मुझे याद आया कि सूडो क्लास में और सूडो एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है. तो प्लीज़ अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो बुक में उसने ये जिक्र किया हुआ है, तो कोई बता सकता है कि सूडो क्लास में और सूडो एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, या बुक में ना भी देखा हो अभी देख के कुछ फील आया हो कि अच्छा यार ये फ़र्क है दोनों में. अच्छा, मतलब बुक कोई नहीं पढ़ रहा है, चलो ये भी सही है, बुक पढ़ा करो भाई, बुक पढ़ने से जो है ना काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं हम लोग. जी दोस्त, ये देखने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा वापस सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास वाले पे ना. अच्छा, नोट करो ये बात, इसने कहीं लिखा हुआ भी है बाय द वे, लेकिन अभी वो अभी पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है इसने, कहीं इसने इस जगह पे जिक्र किया हुआ है कि दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ. सूडो नहीं, वो मगर सूडो वो तो नहीं है ना. वेल, मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये मुझे मिल गया कहाँ लिखा हुआ इसने, ये इस जगह पे और इस जगह पे इसमें डिफरेंस बताया हुआ इसने. खैर, तो सूडो एलिमेंट जो होता है ना वो परमानेंट होता है, सही है, मतलब वो पेज के ऊपर स्टैटिक हालत में मौजूद होता है. मिसाल के तौर पर फर्स्ट लेटर पर अगर मैंने कोई चीज़ लगा दी है ना तो वो लग गई है फर्स्ट लेटर पर, जब पेज लोड होगा और जब तक पेज लोड रहेगा स्क्रीन पे वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, वो फिक्स रहेगा. ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं सूडो एलिमेंट. ऑन अदर हैंड सूडो क्लास जो होता है वो मुख्तलिफ क्लासेस पे मुश्तमिल होता है और वो चेंज हो सकता है. मिसाल के तौर पे अगर आप होवर की मिसाल लें तो जब पेज लोड होता है ना तो बंदे को पता नहीं चलता कि उस पर कौन सी सूडो क्लास लगी हुई है, लेकिन वो सूडो क्लास कब अप्लाई होती है, जब उस पर होवर करूँगा मैं जब होती है, या अगर मैंने फोकस पे कोई चीज़ लगाई हुई है तो जब फोकस होगा जब ही वो दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा. या अगर मैंने लिंक पे लगाया हुआ है, ठीक है, मैंने लिंक पे कोई कलर लगा दिया तो वो जैसे ही पेज लोड होगा वो लिंक का कलर तो दिख जाएगा, लेकिन विजिटेड पे मैंने अगर कुछ और लगाया हुआ है तो वो जैसे ही क्लिक होगा वो ख़त्म होकर विजिटेड वाला शो कर देगा. ठीक है, तो वो चेंज होता है. जो सूडो क्लास होती है वो क्या होती है, चेंज होती है मुख्तलिफ एक्शंस के ऊपर, चेंज होती है वो. तो इसी तरह अगर आप नीचे चलते हैं
इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इसी तरह की हैं जो चेंज होगी। एक है फोकस है, एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है कि वो जब प्रेस हुआ होगा उस वक्त, तो सिर्फ उतने टाइम पे रहेगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी क्लास। तो ये छोटा सा फर्क था। वैसे तो इतना कोई मेजर नहीं है, लेकिन कभी कभी ना इंटरव्यू वगैरह में थोड़े फनकारी दिखाने के लिए पूछ लेते हैं बंदे। वेल पता होना चाहिए, क्योंकि सीएसएस है तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि अच्छा यार ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, हमारे पास आ चुका है इम्पोर्टेंट चैप्टर सीएसएस का, बॉक्सेस। अच्छा, इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है भाई? कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अच्छा, बॉक्सेस की ये बात सिर्फ डिव की बात नहीं कर रहा है। H1 जो है वो भी एक बॉक्स है ना, उसका भी शुरू में इसने बता दिया था कि यार आप कंसिडर करो हर एलिमेंट को एक बॉक्स है, ठीक है। शुरू में जब सीएसएस शुरू हुई थी तो इसने बोला था कि आपने क्या देखो कि हर एलिमेंट एक बॉक्स है और हर एलिमेंट अपने बॉक्स के अंदर है, उसका एक पेरेंट है कोई, वो अपने बॉक्स के अंदर है। तो शुरू में बता दिया था इसने, तो उसी बॉक्स की बात कर रही है। वो बॉक्स डिव भी हो सकता है, वो बॉक्स पैराग्राफ भी हो सकता है, वो बॉक्स कोई इमेज भी हो सकती है। तो कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्सेस, कि उनका हम साइज कैसे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर मार्जिन एंड पैडिंग। अब ये बॉक्स मॉडल करके एक चीज़ है, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की इसने कि भाई बॉक्स मॉडल एक चीज़ होती है, तो वो बताएगा ये। डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्सेस, कि किसी भी बॉक्स को डिस्प्ले करना या हाइड करना। मिसाल के तौर पे अगर वो पहले हिडन है तो उसको डिस्प्ले करना, या पहले से डिस्प्ले है तो उसको हाइड करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी बताएगा। तो ये चैप्टर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑन सीएसएस यू सॉ हाउ सीएसएस ट्रीट ईच एचटीएमएल एलिमेंट एज इफ इट लिव्स इन इट्स ओन बॉक्स। शुरू में बता दिया था कि भाई आप ऐसे ट्रीट करें कि हर एलिमेंट एक बॉक्स के अंदर है। कंट्रोलिंग द डायमेंशंस ऑफ योर बॉक्स, क्रिएट बॉर्डर अराउंड योर बॉक्स, सेट मार्जिन एंड पैडिंग फॉर बॉक्सेस, शो एंड हाइड बॉक्सेस। ये चार बातें इसमें होने वाली हैं नीचे। सबसे पहले डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब के कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा। अच्छा, हमारे पास जो स्क्रीन पे जो बॉक्सेस हैं वो 2D बॉक्सेस हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल बॉक्सेस हैं वो। तो प्लीज़ कोई इस बात पे रोशनी डाल सकता है कि 2D क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, और 2D के अलावा क्या क्या होता है, ठीक है। तो 2D में और 3D में क्या फ़र्क है? 2D x-axis and y-axis में दिख रहा है, 3D थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होता है। तो स्क्रीन पर मुझे 3D भी दिख तो जाता है। नहीं तो अगर मैं ये, जैसे मैंने क्लेम किया, सही है, मैंने ये क्लेम किया कि हमारे पास HTML के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं या वेबसाइट पे जो बॉक्सेस बनते हैं वो सारे 2D बॉक्सेस होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं 3D बॉक्स नहीं दिखा सकता? नहीं, अगर मुझे कोई बॉक्स 3D दिखाना है, एक तो ये है ना कि भाई टेक्स्ट लिखा हुआ था, तुमने कहा चलो शेडो लगा दिया तो एक फीलिंग आ गई कि वो 3D सा लग रहा है। लेकिन अगर मुझे बॉक्स दिखाना है, 3D में दिखाना है, तो क्या मैं वो नहीं दिखा सकता इसमें? कैसे दिखा सकता हूँ? और ओपिनियन शेयर करने की बात है, तुम्हें पहले से पता होता तो आते क्यों यहाँ? पहले से पता होना, ब्रेन स्ट्रॉमिंग है ये। सवाल जो पूछता हूँ ना हर थोड़ी देर बाद, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है जी। सही नहीं, अगर तुम ये कह रहे हो कि 3D में डिस्प्ले नहीं कर सकता। अच्छा जी, लास्ट में आप होवर के जरिए हम लोग थोड़ा बहुत शो कर सकते हैं, लाइक अभी होवर की प्रॉपर्टी आपने बताई, अगर हम लोग एक बॉक्स बनाए उसको विड्थ एंड हाइट थोड़ी सी कम दे दें
और देन होवर में जाके हम इसको नहीं, मुझे ट्री दिखाना है, ट्री दरख्त, एक आम का दरख्त दिखाना है मुझे 3D में। या चलो एक आम नहीं, कोई ऐसी चकोर चीज होती है कोई फल में, मिसाल के तौर पर ये एप्पल बनाना है 3D में, सही है ना, क्योंकि गोल तो हो जाता है डिप, यानी डिफ को अगर मैं बॉर्डर रेडियस दे दूं उसको 100% या 50% जो भी होता है, तो वो परफेक्ट सर्कल बन जाता है। तो अब मुझे उसको सर्कल तो हो गया है, और थोड़ा मैं उसको बीच से ऊपर नीचे और भी कर सकता हूँ, वो मुख्तलिफ उसके बॉर्डर रेडियस चारों को अलग अलग दे सकता हूँ ना मैं, तो मैं उसके अंदर वो नीचे वाला यूँ भी बना दूँगा। अब मुझे 3D में पूरा दिखाना है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? और मैंने ये क्लेम किया कि इसमें बॉक्सेस होते हैं 2D, यानी H1 div ये सारे 2D हैं इसके अंदर। तो अगर 2D हैं तो 3D फिर दिखाना तो पॉसिबल नहीं हुआ मेरे लिए, तो ये तो लिमिटेशन हो गई ना। हाँ नहीं, रेडियस से चलो मैंने गोल कर दिया, अब उसको मुझे थोड़ा उसको उभरा हुआ होता है ना 3D, तो Z भी होता है उसमें, Z एक्सेस भी होता है, तो Z एक्सेस में कैसे दूंगा? नहीं, एप्पल शेडो देने से एप्पल ऊपर थोड़ी आएगा, शेडो तो ये है ना, एप्पल जहाँ रखा हुआ उसके साइड में शेडो दिख रहा होगा उसका, ऊपर थोड़ी आएगा एप्पल जी। हाँ नहीं, जरूरत है या नहीं है, देखो जरूरत तो कोई चीज जब बनती है ना, जब उसकी आदत हो जाती है, पहले तो फीचर होता है, मतलब मुझे करना है, सही है ना, ये जरूरत की बात नहीं है, मुझे करना है। अब मैं एक बार कर दूंगा, लोग यूज करेंगे तो फिर लोगों की जरूरत में कन्वर्ट होगा ये। जब शुरू शुरू में मोबाइल फोन आए थे तो किसी की जरूरत थोड़ी थी, उस वक्त तो लोग ऐसे ही देखते थे, अच्छा पता नहीं होगा कुछ, ऐसे ही शोबाजी के लिए ले लेते होंगे, लेकिन अब जो है ये एक जरूरत बन चुकी है। तो इसी तरह ये अभी जरूरत नहीं है, मान रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मुझे करना है, तो क्या मेरे पास ऑप्शन है? इसमें जितने भी बॉक्सेस हैं, डिव है, H1 है, सब है, मैंने ये क्लेम किया कि वो 2D हैं। अब मैंने अगर कोई 3D चीज, 3D दिखाना है इसमें, मिसाल के तौर पर आम का दरख्त दिखाना है मुझे, या आम दिखाना है, या मुझे सेब दिखाना है, कोई 3D है ना ये तो सारे ऑब्जेक्ट्स। हाँ, घूमे चारों तरफ ऐसे, इस तरह कुछ हो, अच्छा तो चलो मैं थोड़ा मैं भी अपना ओपिनियन देता हूँ। देखो पहली बात सबसे, कि हमारी जो स्क्रीन है जिसके ऊपर हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है, वेबसाइट या कोई भी पिक्चर देखेंगे, हमारी ये स्क्रीन 2D है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर 3D दिखाना इम्पॉसिबल है। अगर मैं किसी तरह से 3D बना भी दूँ उसके बॉक्सेस को, कुछ जुगाड़ मार दूँ मैं, तो भी इस स्क्रीन के ऊपर 3D दिखाना क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये है ही 2D स्क्रीन है ही मेरी, 2D, किसके विर्थ है और हाइट है इसके अंदर। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि इस पर 3D दिखाना इम्पॉसिबल, इस पर हम 3D का इल्यूजन दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें हमें लगता है ना बंदा चल के जा रहा है, तो वो बंदा 3D में दिख रहा होता है हमें, तो वो इधर भी मुड़ता है, इधर भी मुड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक्चुअल में हम वो 2D में ही देख रहे होते हैं, हमें इल्यूजन होता है कि ये 3D है, असल में होता नहीं है वो 3D, होता तो यही हाइट और विड्थ ही होती है ना पिक्सल की, तो क्योंकि स्क्रीन है ही 2D हमारे पास, तो हम इसमें 3D दिखा नहीं सकते, लेकिन 3D का इल्यूजन दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गूगल पे जाके कोई भी अगर चीज़ लिखता हूँ, मैं कहूँगा 3D इमेज, ठीक है, तो नहीं इस तरह कुछ हुआ नहीं ढंग का, ये जैसे मैं एक लिख देता हूँ कि यार मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री जो है वो लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है भाई, मैंगो दिख गया मुझे। अच्छा, अब ये मैंगो जो है ना, ऐसा लग रहा है कि ये 3D है, लेकिन ये 3D है नहीं, इल्यूजन है ये, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया मेरा कि भाई मुझे अगर एप्पल दिखाना है और 3D में दिखाना है, तो उसकी मैं 3D जैसी पिक्चर ले लूँगा या इल्यूजन क्रिएट कर दूंगा, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, ये जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं, ये मूवीज वाली अप्रोच है। दूसरा तरीका ये है कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू
हम इसके अंदर 3D वो भी कर सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं यार वो 3D जो माया पे होता है जो, ना उसका कुछ बोलते हैं, बहरहाल नाम होता है 3D ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। 3.js करके एक लाइब्रेरी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें ना 3D का इल्यूजन भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा 3D का इल्यूजन जो मूव भी करेगा, यार ये मूव होने वाला है अभी इसमें दिख नहीं रहा, ये रहा 3.js की हम ना उस पर चले जाते हैं, ठीक है जी। ये मैंने ओपन कर लिया, एक 3.js का ना एक एग्जांपल मैंने ओपन कर लिया। अच्छा ये मुझे ओपन भी नहीं करने दे रहा, अच्छा करने दे रहा, ठीक है। अब देखो इसको मैं ना घुमा भी पा रहा हूँ, ये मैं माउस से इसको मूव कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना ये 3D है, लेकिन ये 3D है नहीं, ये इल्यूजन है 3D का, ठीक है। देखने वाले को 3D वाला मजा आएगा, और स्क्रीन पे ये 2D में ही डिस्प्ले हुआ है, 3D में डिस्प्ले नहीं हुआ है। अच्छा इसमें मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ, सीढ़ी से ऊपर जा सकता हूँ क्या मैं, बड़े जा सकता हूँ, देख रहे हो कैसे मजे वाला आइटम है। ये जो लेजर है ना ये मेरे माउस के साथ साथ मूव कर रहा है, और मैं और ऊपर जाता हूँ ऑफिस में इसके, ठीक है भाई। और मैं इसमें क्या तहखाने वगैरह भी बनाए हैं मैंने, सही है। अच्छा ये स्टेप तो भाई ऊपर ही जाते जा रहे हैं, इसके सबसे टॉप पे चलता हूँ, कंट्रोल रूम में आ चुका हूँ इस वक्त में, ठीक है भाई। ये एक मज़े का अच्छा सा कंट्रोल रूम है, मैं वापस भी जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, मिसाल के तौर पर मैं स्टेयर्स पे क्लिक करता हूँ नीचे, अच्छा नहीं हो रहा कुछ, एक लेवल यहाँ से नीचे, अच्छा बटन बने हुए लेवल नीचे लाने के। ये जावास्क्रिप्ट के जरिए किया था, एक लाइब्रेरी है 3.js, तो वो मैंने गूगल पे लिखा तो सामने आ गया, ठीक है। इन्होंने इस तरह के बहुत सारे बना बना के रखे हुए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ये सारी इनकी एग्जाम्पल्स हैं, ये देख रहे हो बहुत सारी एग्जाम्पल्स इन्होंने बना के रखी हुई है, हाँ हाँ तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो बॉक्सेस हैं जितने भी वो हैं तो 2D, लेकिन उसके अंदर हम 3D का इल्यूजन कर सकते हैं दो तरीके, एक तो पिक्चर और वीडियो के जरिए, दूसरा जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो क्या करती हैं, ऐसी इमेज क्रिएट करती हैं, होती वो भी 2D है लेकिन उसका कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट करके, कुछ कलर कॉम्बिनेशन करके हमें वो बिल्कुल ही असली वाले 3D का जो है ना लुक दे देती हैं। अच्छा तो जैसा कि हमने देखिए कि बेसिक तो 2 है, तो इसमें विड्थ होगी और हाइट होगी, यानी कि एक्स और वाई, ठीक है। तो कोई भी हमारा जैसे एक डिव बना हुआ है, एक पैराग्राफ बना हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ भाई हाइट तुम्हारी हो जाए 300 पिक्सल, विड्थ हो जाए तुम्हारी 300 पिक्सल। अच्छा अगर हम इसकी हाइट नहीं बताएंगे तो हाइट इसकी क्या होगी बाय डिफॉल्ट, कौन बताएगा? एक पैराग्राफ पे मैं उसकी हाइट नहीं बता रहा, नहीं बाय डिफॉल्ट हाइट नहीं होती, तो उसकी हाइट क्या होगी डिफॉल्ट? जितना उसमें कंटेंट होगा वो उस पर टाइट हो जाएगा, हाइट जो है उसकी वो कंटेंट पे टाइट हो जाएगी। अच्छा विड्थ किस उसकी कितनी होगी पैराग्राफ की अगर मैं नहीं बताता हूँ तो? क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है तो वो फुल विड्थ लेगा, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट फुल विड्थ ले रहे होते हैं। इसी तरह H1 है, H1 जो है वो क्या करता है, अगर 2 कैरेक्टर भी लिखा है, 4 कैरेक्टर भी लिखा है आपने, विड्थ वो पूरी लेगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो भाई हाइट और विड्थ सिंपली हम उसको बता सकते हैं, एक पैराग्राफ है बाई डिफॉल्ट वो फुल विड्थ ले रहा होता है, मैं अगर उसको बोलूँगा ना 50% तो स्क्रीन जितनी भी होगी उसका वो 50% ले लेगा, ठीक है। अगर मैं पिक्सल में बताऊँगा तो वो पिक्सल के हिसाब से ले लेगा, तो मुख्तलिफ तरह से बता रहे होते हैं हम, कन्वीनियंट होता है। अच्छा एक हम बताते हैं EM में, सही है, EM में भी बता रहे होते हैं। EM में बताने का क्या बेनिफिट है?
एक तो पिक्सल है, एक है परसेंटेज, एक है ईएम। यहाँ पे ईएम में भी बताते हैं, इन्होंने एग्जांपल में तो नहीं करके बताया लेकिन ईएम में भी बताते हैं। ईएम में बताने का बेनिफिट ये है भाई कि सम टाइम ना मेरी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसकी जो पहली लाइन चेंज हो ना, वो कमर्शियल जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आगे पहली लाइन इसकी चेंज हो जाए, ठीक है, वहाँ पे आगे चेंज हो। तो मैं इसको ना इसके कैरेक्टर गिनूंगा और जितने कैरेक्टर होंगे उतने ईएम इसको मैं विड्थ दे दूंगा। उससे होगा क्या कि स्क्रीन का साइज जैसा भी चेंज होता रहे मेरी लाइन उसी जगह से ही ब्रेक होगी हर दफा। ऑन अदर एंड अगर मैं इसको देता हूँ 50%, अगर मैं इसको विड्थ देता हूँ 50% और ये खुल गया किसी बड़े 55 इंच के टीवी पे किसी ने खोला, तो वो तो 50% उसका इतना होगा कि पूरा टेक्स्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा, लाइन चेंज नहीं होगी, सही है। या मैंने उसको पिक्सल में दे दिया अगर, ठीक है, तो पिक्सल में अगर मैं देता हूँ और बाद में अगर मेरे फॉन्ट का साइज़ चेंज हुआ किसी भी क्लास की स्टाइलिंग की वजह से, अगर मेरे फॉन्ट का साइज़ चेंज हुआ, मैंने मिसाल के तौर पे 300 पिक्सल में देखा, अच्छा यार 300 देता हूँ ना तो ये सही जगह से लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, ओके। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे डिज़ाइनर ने किसी भी वजह से उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया, तो अब जाहिर है फॉन्ट बड़ा हो गया, साइज़ तो वही है 300, तो मेरा लाइन थोड़ा पहले ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन ये मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है कि भाई फला जगह से ही लाइन ब्रेक हो, सही है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की हो लेकिन मेरी है। तो उस केस में अगर मैं ईएम दूंगा ना तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो छोटा हो, स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो छोटा हो, मेरी लाइन वहीं से ब्रेक होगी हर दफा। और अगर मैं चाहता हूँ कि 3 लाइनों में ये टेक्स्ट दिखे तो वो 3 लाइन में ही दिखेगा हर दफा। तो ये हमने विड्थ हाइट देख ली बॉक्सेस की। बॉक्सेस का मतलब है कि कोई भी पैराग्राफ, डिव, कोई भी बॉक्स हो। जी क्या मतलब? नहीं देखो, मिसाल के तौर पे मैंने अगर यहाँ से गिन लिया ना इसको कि 3 और 4 7 और 5 12, सही है, तो तकरीबन कोई 24-25 के करीब कैरेक्टर है एक लाइन में। तो मैंने 24 ईएम अगर उसको दे दिया तो वो 24 मैंने विड्थ दी है, असल में बॉक्स की ना विड्थ दी है मैंने 24 ईएम, तो वो 24 कैरेक्टर के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, फिर अगली लाइन में भी 24 ही आएंगे फिर ब्रेक हो जाएगा, और तीसरी लाइन पे भी 2-4 वर्ड उसके आ रहे होंगे, तो जो मैंने रख दिया ना वो वही रहेगा। मिसाल के तौर पे हो सकता है 24 पे ना हो तो मैं थोड़ा और कम कर दूंगा उसको, लेकिन जो रखूंगा ना मैं जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है वो हमेशा उधर ही ब्रेक होगा, चाहे स्क्रीन ऊपर होती रहे नीचे होती रहे या टेक्स्ट का इवन साइज भी मैं बड़ा छोटा करूँ तो वो ब्रेक वहीं से होगा, ठीक है। तो ये ईएम की वजह से, क्योंकि ईएम किस पर डिपेंडेंट होता है, जो भी फॉन्ट उसके अंदर लगा हुआ है उस बॉक्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं अगर फॉन्ट लगाऊंगा ना तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा इस पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करो, मैं यही बोलूंगा ना कि पी जो लिखा हुआ है पी पे जाके फॉन्ट साइज कर दो 12, यही लिखूंगा ना मैं। तो मैं उस बॉक्स के ऊपर लगा रहा हूं असल में फॉन्ट साइज, और उसी बॉक्स पे मैंने क्या लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है कि इसकी विड्थ कितनी होगी, समझ रहे हो। तो जो विड्थ मैंने ई एम पे दी है ना तो वो किस पर डिपेंडेंट हो गया, इस बॉक्स का जो भी फॉन्ट साइज है उस पर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज अगर मेरे पास 16 है तो वो 16 के अकॉर्डिंगली जो है वो मैंने उसकी विड्थ सेट की है, तो ये रिलेटिव विड्थ कहलाती है, सही है, कि वो एक्चुअल ईएम एक्चुअल में खुद कुछ नहीं है, वो रिलेट कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर है हर बॉक्स के ऊपर ना कोई फॉन्ट साइज तो होगा ना, रहेगा भाई। मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि पैराग्राफ से मैं फॉन्ट साइज ही गायब कर दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। डिफॉल्ट उसमें 16 फॉन्ट लगा हुआ होता है, मैं कम करूँगा 0 या ज़्यादा करूँगा, या अगर मैंने दे दिया ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो उसको लेगा ही नहीं, वो बोलेगा भाई ये इनवैलिड वैल्यू है, वो जो डिफॉल्ट है उसी को कैरी करेगा, वो लेगा ही नहीं नया इनपुट। तो ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता ना कि फॉन्ट साइज ही गायब कर दूंगा। अच्छा, अगर कोई डिव की मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो अगर मैं डिव पे लगाता हूँ ना ये ईएम, तो उस डिव पे भी कोई ना कोई फॉन्ट साइज लगा हुआ होता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट उसमें कोई टेक्स्ट लिख दूँ तो कोई ना कोई फॉन्ट साइज आ रहा है ना उस पर, तो वो फॉन्ट साइज उस पर है डिव के ऊपर। तो जब मैं डिव पे ईएम लगाता हूँ बावजूद इसके कि उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है अंदर अभी, लेकिन उसमें वो फॉन्ट के साइज से ना रिलेट कर लेगा वो, कि जो भी वो फॉन्ट का साइज है उस हिसाब से ले लेगा। तो डिफॉल्ट हमने देखा एचटीएमएल में 16 होता है ना, यही देखा है ना, जो ऊपर एक चार्ट इसने बनाया हुआ था कि यार दो तरह के स्केल होते हैं, एक 12 पिक्सल स्केल एक 16 पिक्सल स्केल, तो एचटीएमएल में जो डिफॉल्ट है वो 16 पिक्सल स्केल है। सर,
REM जो है ना वो डेंसिटी फ्री चीज़ है, वो बताऊंगा वो भी बाद में, वो डेंसिटी फ्री है। लिमिटिंग विड्थ, टाइम हो गया है? हाँ यार टाइम तो हो गया हमारा। साढ़े छः से स्टार्ट किया था ना हमने, साढ़े छः सात आठ, हाँ यार मेरा ख्याल है टाइम हो गया, तो हम ये वाला करके ना निकलते हैं फिर, ये लिमिटिंग विड्थ। अच्छा एक तो हमने दे दिया ना फिक्स विड्थ, कि भाई विड्थ और हाइट हो जाए फिक्स, एक तो हमने ये दे दिया कि भाई 300 पिक्सल है इतना ही रहेगा हमेशा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। एक तरीका और भी है कि जिसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं उसको बता देता हूँ कि यार स्क्रीन के ऑन डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज मिनिमम इससे छोटा नहीं होना तुम्हें और मैक्सिमम इससे बड़ा नहीं होना तुम्हें, तो मैं इस तरह से भी बता सकता हूँ, तो उसमें मिन और मैक्स देता हूँ मैं। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर मैंने उसको मिनिमम विड्थ दे दिया है 300 और मैक्सिमम विड्थ उसको मैंने दे दिया है 600, तो वो अप्लाई कौन से वाले को करेगा? नहीं लास्ट वाले को नहीं, इसने करीब करीब बात कर दी है स्क्रीन के हिसाब से, लेकिन थोड़ी नहीं है कितनी ये भी बात तो तुमने सही की है, लेकिन है कितनी? हाँ क्यों 600 आएगी, मतलब तुम ये कह रहे हो मैक्सिमम वाले को ले लेगा वो 600 आ जाएगी, क्यों वजह वजह रीजन भी तो कुछ बताओ। नहीं मतलब अपर लिमिट ही क्यों लिया उसने, लोअर वाला भी तो ले सकता था ना, लोअर क्यों नहीं लिया? नहीं अभी मैंने दोनों बता दिए, मैंने आगे भी बता दिया है मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, तो वो अभी कौन से वाले को लेगा? मिनिमम मैक्सिमम तो चलो स्क्रीन साइज छोटा बड़ा होगा तो फिर देखा जाएगा ना, अभी कौन से वाले को लेगा वो मेरी इस साइज पर, ये मेरा सवाल था भाई। अभी एट अ टाइम तो एक ही लेगा ना, दोनों तो नहीं हो सकते, विर्थ तो एक ही होगा उसका एट अ टाइम, अभी कौन सा वाला होगा? 650 क्यों होगा? ईजली शो हो सकता है, ये तुम्हें कैसे पता? हो सकता है मैं जिस स्क्रीन पे बैठा हूँ हो सकता है उसमें नहीं हो 650, छोटी हो वो। देखो समझाता हूँ मैं, बाई डिफॉल्ट जो है ना अगर मैंने ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, बाई डिफॉल्ट क्या करेगा वो पैराग्राफ, ठीक है पैराग्राफ की अगर हम बात करें और बाकियों में भी यही है भाई, तो पैराग्राफ क्या करता है पूरी विड्थ लेने की कोशिश करता है, सही है पूरी विड्थ लेने की कोशिश करता है, या फिर जितना उसके अंदर कंटेंट होता है ना उतनी विड्थ तो एटलीस्ट वो लेने की कोशिश करेगा ही करेगा, सही है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा होता है, हर एचटीएमएल का एलिमेंट अपने कंटेंट जितनी विड्थ लेने की कोशिश करता है। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैंने उसको बोल दिया है कि मिनिमम विड्थ क्या हो जाए 300। अच्छा इस ये काम करने के लिए ना उसको पहले तो मुझे ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट तो वो बात ही नहीं करता ना कम विड्थ की, वो तो बोलता है पूरी चाहिए मुझे, तो मुझे इन लाइन ब्लॉक करना पड़ेगा यानी एक लेवल नीचे लाना पड़ेगा उसको। तो अब उसको जब मैं दूंगा ना मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ दोनों, तो अब वो क्या करेगा, पहले तो वो जितना उसमें कंटेंट है ना उतनी विड्थ लेने की कोशिश करेगा, ठीक है अगर तो वो विड्थ हो जाती है 100 पिक्सल, ठीक है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम विड्थ क्या है 400 है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो 100 पिक्सल जितना विड्थ में फिट हो सकता था, लेकिन वो 100 पिक्सल जितना छोटा नहीं होगा, वो मिनिमम लिमिट तक चला जाएगा 400 पे चला जाएगा वो। अच्छा अगर उसके अंदर कंटेंट होगा 500 पिक्सल का, ठीक है जो भी कंटेंट है उसमें उस बॉक्स में वो 500 पिक्सल का है, तो वो 500 तक ले लेगा, अगर स्क्रीन पे अवेलेबल हुई इतनी जगह तो 500 तक वो ले लेगा, ठीक है अगर उसमें कंटेंट हुआ 700 साढ़े 700 पिक्सल का
तो वो उतनी जगह लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे रूल के अकॉर्डिंग 600 से आगे नहीं जा सकता वो, तो 600 पे वो रुक जाएगा, वो लाइन ब्रेक करेगा, अगला कॉन्टेंट फिर लाइन के नीचे आ रहा होगा, समझ गए? तो मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ इस तरह काम कर रहा होगा। आमतौर पर आपके पास जो है वो, यानी जितने लोगों ने भी कहा था कि वो मैक्सिमम वाले को ले लेगा, वो सही कह रहे थे, क्योंकि आमतौर पर पैराग्राफ में 4, 5, 6, 10 लाइनें होती हैं, तो वो हमेशा 6 वाले पे ही जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो मिनिमम वाले पे आने की कोशिश नहीं करेगा, मैक्सिमम भी जाएगा। उसका रीज़न लेकिन क्या है कि उसके अंदर कंटेंट उतना है, तो अपने कंटेंट जितनी वो जगह एटलीस्ट लेने की कोशिश करेगा अगर वो स्क्रीन पे अवेलेबल हुई तो। अच्छा, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हम जो है अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।